बिहार की राजधानी पटना से सटे दनियावा प्रखंड के सुदूर देहाती क्षेत्र के कई दलित बस्ती में आज बिहार के खनन एवं भूतत्व मंत्री जनक राम उर्फ जनक चमार पहुँचे और न्यामतपुर सरथुआ कुंडली सहित कई गांव में घूम घूम कर दलितों से मिले और उनकी समस्या को जाने। साथ ही गांव में नुक्कड़ सभा कर लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने और सरकार की योजनाओं के बारे में बताएं। साथ ही सरथुआ में दलितों के बीच बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुने। मन की बात खत्म होते ही मंत्री जी ने लोगों को प्रधानमंत्री की बातों के बारे में समझाए और प्रधानमंत्री की मन की बात सुनने का आग्रह भी किए। इस दौरान लोगों ने अपनी समस्या और बिचौलियों की लूट खसोट के बारे में महिलाओं ने मंत्री जी से अपनी बात रखी। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा गरीबों के उत्थान के लिए कई तरह से योजनाएं चला रहे हैं, लेकिन लोगों के बीच उन योजनाओं का लाभ किस प्रकार मिल रहा है, जिसे सुनने के लिए हम हमेशा गांव में घूमते हैं। आज भी कई गांव का दौरा किए, कई जगह शिकायत मिली, जिसे हम लोग दूर करने का काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि गांव में घूमने का मुख्य उद्देश्य दलित और पिछड़ों को शिक्षा के लिए जागरूक करने का है। वे अगर शिक्षित होंगे तो खुद अपनी समस्या दूर कर लेंगे और बिचौलियों की मनमानी खत्म हो जाएगी। क्या प्लानिंग था और कई जगह घूमे, क्या देख रहे हैं? प्लानिंग नहीं है। देश के आजाद भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सपना था कि जब तक ग्राम सभा आम लोग मजबूत नहीं होंगे तब तक के जिला मजबूत नहीं होगा। आज उसी कड़ी में देश के सच्चे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 7 वर्षों में ग्राम पंचायत कैसे मजबूत होगा, दिन रात को काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सुरक्षा हो, ये 7 साल में अमूलचूल परिवर्तन करके देश के 1 अरब 30 करोड़ नागरिकों को मजबूती प्रदान करने में अपने महती योगदान निभा रहे हैं। उसी कड़ी में आज मन की बात महीने का हर रविवार के आखिरी दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को संबोधित करते हैं, जो मन की बात के नाम से जाना जाता है। मैं बिहार सरकार के मंत्री के रूप में अब गांव की तरफ मुझे भी चल करके गरीब गुरबा